बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबाना रसोई। तो आज हम एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड दाल पकवान बनाएंगे। दाल पकवान सिंधी कुजीन की मेन डिश है और आजकल ये स्ट्रीट फूड में बहुत ही पॉपुलर है। तो आइए देखते हैं इसे घर में कैसे बनाते हैं। तो दाल बनाने के लिए मैंने एक कप चने की दाल को एक घंटा पहले से भिगो कर रखा हुआ था। अब इसका पानी निकाल कर कुकर के अंदर डाल देंगे। दो गिलास पानी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक डालकर इसके अंदर एक उबाल आने देंगे। तो दाल के अंदर बॉयलिंग हो रही है और इसके ऊपर देखें, ये जो झाग आपको दिख रहा है इसे निकाल कर फेंकना बहुत ज़रूरी है। इसे खाने से बॉडी में हमारे एसिडिटी बनता है, तो इससे पहले कि ये दाल नुकसान करे इसे हम हटा देंगे और फिर कुकर का लिड बंद करके इसके अंदर 3 विसिल आने तक पका लेंगे। और पकवान बनाने के लिए 1 कप मैदा, 1/2 कप आटा लेंगे, ये गेहूं का आटा है, 1/4 कप सूजी और 1/2 टीस्पून ज़ीरा लेंगे और 1/2 टीस्पून क्रश किया हुआ काली मिर्च लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक और मोयन के लिए 2 टीस्पून ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी डालकर एक सख्त लोई बना लेंगे। तो आटे को ढककर थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और अब गैस के ऊपर 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे। इसके अंदर 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 पिंच हींग और करी पत्ता डालेंगे और फिर 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 से 3 स्लेट की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पाउडर मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून काला नमक, सेंधा नमक हमने दाल में डाला हुआ है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। इसे डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि मसाले हमारे जले नहीं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो मसाले हमारे काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं और ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो इस टाइम पर पकी हुई दाल शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून दाल मैश करके डालेंगे। इससे दाल हमारी गाढ़ी हो जाएगी और खिली खिली भी रहेगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट पकाकर गैस से अलग हटा देंगे और अब गैस के ऊपर ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे और पकवान के लिए आटे से छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे और इसे पतला पतला बेल लेंगे। अगर पतला नहीं बेलेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होगा और पकवान खाने का मज़ा नहीं आएगा। और फिर इसे किसी कांटे या फोक से निशान डाल देंगे जिससे कि ये फूले नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर पकवान डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और इसी तरीके से सारे आटे का पकवान बना लेंगे। और इसे सर्व करने के लिए दाल को एक सर्विंग डिश में निकालेंगे। ऊपर से कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो दाल पकवान संडे ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आप भी संडे वाले दिन बनाएं और पूरी फैमिली एक साथ एंजॉय करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।